गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर 2024। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस समय बहुत सारी, जैसे आप क्लिक करेंगे म्यूचुअल फंड को कई सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, न्यू फंड ऑफर कई सारे आने शुरू हो जाएंगे, आईपीओस तो आ ही रहे हैं, उसके बाद में लोग ईएलएसएस की भरमार कर देंगे, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो कि टैक्स सेविंग स्कीम होती है उसकी भरमार कर देंगे, और कुछ लोग तो इतने बेशरम बन जाएंगे कि फंड्स को भी प्रमोट करना शुरू कर देंगे। अरे भैया तुम फंड्स का प्रमोशन क्यों कर रहे हो यार, तुम जो जनता का हित है वो करो। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, इसके आप मेरे से उम्मीद भी नहीं करना, मैं किसी भी फंड वगैरह की प्रमोट नहीं करूंगा, मैं वही बात करूंगा जो कि इन्वेस्टर के, आम इन्वेस्टर के हित में हो, जो कि जिसका खून पसीने का कमाया हुआ पैसा है वो जहां पर ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉफिट दे, मैं उसी की बात करूंगा, उसके अलावा दूसरी एक भी बात मैं अदरवाइज नहीं करूंगा। तो आप पूछेंगे सर आप क्या करेंगे, ठीक है ना, मैं आपको यह करूंगा। देखिए तीन ही टाइप के फंड होते हैं, फर्स्ट वन इज लार्ज कैप, सेकेंड वन इज मिड कैप एंड थर्ड वन इज स्मॉल कैप। अभी उसके बाद में उसकी अपना खिचड़ी वगैरह बन जाती है, बाकी मैं बोलता हूँ खिचड़ी, व्यंजन आपके यही तीन टाइप के हैं। मैं उसके बाद में आपका चौथे पार्ट पे कवर करूंगा आज कि एज के मुताबिक आपका एलोकेशन किस टाइप के फंड में कितना होना चाहिए, और मैं किस कैटेगरी को आज कवर करूंगा वो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। मैं 25 साल से लेकर के 80 साल के युवा को कवर करूंगा। अब आप बोलेंगे 80 साल के युवा को, 80 साल के बंदे को आप युवा बोल लो, यस 80 साल का बंदा युवा होता है, क्यों आप समझ नहीं सकते हो, 25 साल वाला स्ट्रगल करते हुए उतना ध्यान नहीं दे सकता जितना 80 साल वाला बिल्कुल वेल्थ गेन किए हुए बैठा हुआ 70 साल वाला 60 साल वाला वहां से अपनी चीजें शुरू करता है, ठीक है ना। तो आप उस चीज को समझिए, आप जुगानी भैया के दूरदृष्टि को समझिए, और उसके बाद में फिर आपको जब मजा आएगा तब आप बताइएगा। सबसे पहला आप देखिए, आपका पहला टॉपिक ये है एनएफओ की भरमार है, आपको उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, क्यों, क्योंकि एनएफओ आपके न्यू फंड ऑफर होते हैं, वो अजमाए हुए नहीं होते हैं, जिनको लगाना है न्यू फंडर में, जिनके पास अटरम बटरम पैसा है वो अपना लगाए, कोई हमें लेना देना नहीं है। आईपीओ आपको पता है, आईपीओ आ रहा है उसमें आपका नंबर भी नहीं पड़ता है, बहुत कम लोगों का पड़ता है, तब तक आपका पैसा ब्लॉक रहता है, आप लेकर के टेंशन में रहते हो, टेंशन नहीं लेना है यार, ठीक है ना। उसके बाद में ईएलएसएस, अरे ईएलएसएस में आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में क्यों कर रहे हो भाई, बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे ही आपको 1 लाख तक का जो आपको गेन हो रहा है उस पर गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है, क्योंकि आप जोखिम ले रहे हो, जब आपके पास इतना ज्यादा हो जाएगा तो आप खुद ही अपने फंड को सर्च कर लोगे, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, इसमें आप अपने टाइम को मत वेस्ट करो। उसके बाद में अगला फंड को लोग प्रमोट करते हैं, फंड को प्रमोट, अरे फंड को प्रमोट भाई क्यों भाई, सबको डाटा अवेलेबल है, इजी क्लिक पर है, जो आज आप अगर मेरा ही वीडियो देख रहे हो तो आपको अच्छे से पता है, आप उसको ढूंढ लोगे आपको जो चाहिएगा, अरे आपको ये गाइडेंस चाहिएगा, इस टाइप का फंड, इस टाइप का फंड यहाँ पर है लोकेशन, वहां पर है लोकेशन, जो कि तजुर्बा होना चाहिए, तजुर्बे वाली जानकारी लो ना, पर्टिकुलर फंड में घुसने वाले किसी ने आकर के बोल दिया मेरा फंड प्रमोट करो यार, ये नो, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, मैं इसका समर्थन कभी नहीं करता हूं, ठीक है। उसके बाद में मेन बात आ जाती है एज के मुताबिक आपका एलोकेशन किस टाइप के फंड में कितना होना चाहिए, ये होती है मेन बात। अरे भैया एज तो सबकी होती है ना, अब आप 25 साल के लौंडे को बोलोगे यार तुम सारा सारा लार्ज कैप में कर दो, तुम डरो मत, अरे वो रिस्क नहीं लेगा, कौन लेगा यार। लेकिन वही आप जो 60 साल वाले को बोलोगे सारा सारा स्मॉल कैप में कर दो यार, वो कैसे कर पाएगा बेचारा यार। 70 साल वाले को बोलोगे सारा सारा उसमें कर दो, तो बोलेगा ना भैया ना, मैं तो पूरा पूरा उसमें डालूंगा, एफडी में डालूंगा, नहीं। तो हर चीज का एक नियम है, एक तरीका है, और जोखिम, अरे जोखिम हर कोई ले सकता है यार, 80 साल वाला भी ले सकता है, 70 वाला ले सकता है, 60 वाला ले सकता है, 50 वाला ले सकता है, 40 वाला ले सकता है, और 30 और 25 की तो बात ही नहीं करूंगा, क्लियर है आपको। अभी देखिए सिंपल सा फार्मूला है जो कि सारे जानते हैं, उसके बाद में तजुर्बे का फार्मूला मेरा है वो भी आपको मैं बता रहा हूं। ओके देखिए अभी आप सबसे पहले आप जानते हैं इक्विटी में एलोकेशन कितना होने चाहिए, इक्विटी में हर किसी का एलोकेशन होना चाहिए 100 माइनस एज, क्योंकि 100 ईयर भारत की आयु मानी जाती है, ठीक है ना, 100 माइनस एज होनी चाहिए।
अगर इतना पोर्शन आपका इक्विटी में नहीं है तो समझिए आप अपने पैसे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो, अपनी गाड़ी कमाई के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो, आप बात को मान लीजिए मेरी। क्योंकि महंगाई से लड़ने के लिए महंगाई आपके पैसे को खाती चली जाएगी। आज के टाइम पर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जो कि महंगाई से ज्यादा आपको दे रही हो और उसके बाद में आपकी अर्निंग के मुताबिक आपके ऊपर टैक्स लग जाता है गुरु, ये भी आप जानते हो, बिल्कुल सत्य बात है। तो आप 100 माइनस एज के मुताबिक का फार्मूला 100% फॉलो करें, आपका इक्विटी में इतना एलोकेशन होना चाहिए। अब 100 माइनस एज में सपोज कीजिए मैं 70 साल के युवा को ले रहा हूं, 100 माइनस 70 इक्वल टू 30। अब 30% किस में जाना चाहिए? इक्विटी में जाना चाहिए 70 साल के युवा की। और 70% किस में जाना चाहिए? गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है उसमें जाना चाहिए ताकि उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी पैसे की बनी रहे, पैसे की ताकत अगले के पास रहे, यानी कि मार्केट डाउन हो अगले पास खर्चे के लेने भैया एज के मुताबिक खर्चा भी होता है। वैसे ही 100 माइनस 60 वालों के लिए 40% आपका किस में जाना चाहिए? इक्विटी में। 60% किस में जाना चाहिए? गवर्नमेंट स्कीम में। 50 वाले का 50% जाना चाहिए इक्विटी में, 50% कहां जाना चाहिए? गवर्नमेंट स्कीम्स में, ध्यान रखिएगा। और 40 वाले का 60% इक्विटी में, इसीलिए मैं समझा करके बता रहा हूं। 40 वाले का 60% किस में जाना चाहिए? इक्विटी में। और 40% किस में जाना चाहिए? ओनली गवर्नमेंट स्कीम में। तब वो आगे जाकर के अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, बच्चों का मतलब विवाह कौन सब कुछ कर पाएगा, नहीं तो बहुएं उसको खाना भी नहीं देंगी बुढ़ापे में, बता रहा हूं, नोट कर लेना। उसके बाद में 30 वाले का 100 माइनस 30 70% किस में जाना चाहिए? जल्दी बताओ, इक्विटी में। और 30% किस में जाना चाहिए? गवर्नमेंट स्कीम में, क्योंकि युवा है, रिस्क ले सकता है, कमा सकता है, दौड़ भाग कर सकता है, उसके बच्चे छोटे हैं, बीबी का खाली खर्चा है, मार्केट डाउन होगी उसकी जिद नहीं पूरी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीबी कुछ दिन में नानू करके समझ जाएगी, देखना भैया कई मतलब जो है अगर फीमेल दर्शक होंगी तो जो है नाराज नहीं हो जाना, प्लीज अपने हस्बैंड का आप लोग साथ देना, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद में सवाल ये उठता है कि चलिए ठीक है भैया आपने बोल दिया हम इतना एलोकेट कर देंगे। अब सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है ना दिमाग में, बज बज मधुमक्खी के जैसे जो बजता है, या लार्ज कैप में कितना एलोकेट करूं, ठीक है, मिड कैप में कितना एलोकेट करूं और स्मॉल कैप में कितना एलोकेट करूं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि लॉन्ग टर्नओवर में ये कितना देगा, 10 से 12% आपका लार्ज, ये कितना देगा, 12 से 13%, ये कितना देगा, 17 से 18%। तो यार सबको अच्छा लगता है, ठीक है, सबको अच्छा लगता है। तो अभी इसका भी एलोकेशन का एक फार्मूला है, उसको आप लोग नोट कर लो, अगर नोट कर सकते हो कॉपी पेन है तो नोट कर लो, ये आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये आपका जैसे 100 माइनस एज हो गया ना, उसी प्रकार से 100 में से माइनस करके आपका जितना इक्विटी में जा रहा है, सपोज करो 70 ईयर के यंग बंदे का मैं ले रहा हूं यार, 70 ईयर का यंग बंदा है उसका मैं ले रहा हूं, 100 माइनस 70 कितना हो गया, 30। अब आपका 30% इक्विटी में जाना है ना। अब सपोज करो 10,000 रुपये आपको किसमें डालने हैं, इन्वेस्ट करने हैं आपके, ठीक है ना। अब इसमें से 7,000 आपका सीधे सीधे किसमें चला जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम में चला जाएगा। 10,000 ही ले रहा हूं, आपको 1,00,000 करना है, 10,00,000 करना है, इसके अनुसार कर लेना। 7,000 रुपया किसमें चला जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम में। कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि बंदे की एज कितनी है, 70 साल है, मेरी बात समझ रहे हो ना, उसी मुताबिक जो बताया था वैसे आपका बच गया कितना, 3,000 में से 3,000 का आप निकाल लो 70%, 3,000 का 70 इंटू इतना, ठीक है ना। आप 2,100 रुपया अगले का किस में जाना चाहिए, लार्ज कैप में जाना चाहिए, ठीक है, इसके अनुसार एवरेज कर लेना। बाकी बच गया 900, 450 किस में जाना चाहिए, मिड कैप में, और 450 किस में जाना चाहिए, स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में मिड कैप से कभी डरना नहीं, लेकिन इसके अनुसार एलोकेट करना, 70 साल के लोगों को बता रहा हूं। ऐसे में लोवेस्ट बंदे पर आ रहा हूं 30 ईयर्स पर, आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। दो ही एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा नहीं लूंगा। 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। यहां पे क्या हो जाएगा, सिंड्रो उल्टा हो जाएगा। सिंड्रो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बंदा रिस्क लेने लायक है, तो इसका 70% किस में जाएगा, इक्विटी में जाएगा। अब 10,000 का 70% कर लो, ठीक है, सीधे से 10,000 का 70% कर लो, कितना आ जाएगा, 7,000। 7,000 रुपया इसका किसमें जाएगा, स्मॉल कैप में जाएगा गुरु। 7,000 रुपया इसका किसमें जाएगा, स्मॉल कैप में जाएगा। और नहीं तो 3,000 रुपया इसको भी इसमें कर दे दो, अगर आप
आप उसके बाद में देख लो, अगर ये टोटली फंड में डालना चाह रहा ठीक है, नहीं तो 3,000 रुपए इसके जाने दो किसमें, गवर्नमेंट स्कीम में भैया, इसके बीवी बच्चों का अपना आएगा खर्चा आएगा, बीवी इसको जो तंग करेगी, 7,000 रुपया बच गया जो कि इसका जाना इक्विटी में, अगर 10,000 ही इन्वेस्ट कर रहा है तो। अब इस 7,000 का आप निकाल लो 70%, 7,000 के 70% 4,900 रुपया इसका किसमें जाएगा, स्मॉल कैप में जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि ये बंदा कितने साल का है, 30 साल का है, ये नोट कर लेना, यहीं पर ही लोग जो कंफ्यूजन कर जाते हैं। और 2100 उसके बाद में हो गया, इसमें से कर लो मिड कैप और लार्ज कैप में आधा आधा डिवाइड कर दो, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं, जिंदगी भर इन्वेस्ट करते रहो यार 20 साल से लेकर के, और अगर 20 साल में अर्निंग कर रहे हैं, परमात्मा ने आपको कृपा करी हुई है, 80 साल तक अगर आपकी अर्निंग है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सेम फार्मूले पर चलते रहो, कोई माइक लाल इसको दिखा करके दिखा दे। दोस्त अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर देना, रिवार्ड ओनली क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।